हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी त्यागी आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के फ़ायदों के बारे में बताने जा रही हूँ जो सभी की किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मेरे ज़्यादातर टॉपिक ऐसे रहते हैं जो हमारे घर में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, चाहे वो DIYs हों, ब्यूटी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, वो सभी हमारी किचन में अवेलेबल रहता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है धनिया, कि धनिए के बीज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और धनिया सभी के घर में अवेलेबल रहता है। धनिए से हम अपनी सब्जी में, दाल में तड़का लगाते हैं या ग्रेवी को थिक करने के लिए, उसे फ्लेवर डालने के लिए धनिए का यूज़ किया जाता है। लेकिन धनिया हमारी हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। धनिए के बीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वही सारे बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धनिया हमारी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है। धनिए में विटामिन के, विटामिन सी पाया जाता है। धनिए में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड जैसे काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। धनिया का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि धनिया पेट साफ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं उनके लिए धनिया बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। करना क्या है, एक चम्मच धनिए को, धनिए के जो बीज होते हैं उन्हें रात को एक गिलास पानी में डालकर रख दें और फिर सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को छान कर पी लें। रेगुलर ऐसा करने से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। या आप ये भी कर सकते हैं कि धनिए को अगर आप इंस्टेंट लेना चाहते हैं तो एक गिलास पानी में एक चम्मच धनिया डालकर उसे अच्छे से पकाएं और तब तक पकाएं जब तक पानी आधा ना रह जाए, और फिर जब वो पानी आधा रह जाए तब उसे छानकर हल्का गुनगुना सिप बाय सिप करके पिएं। तो इसका जो है बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप धनिए का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। धनिए के पाउडर को भी पानी में डालकर पी सकते हैं, उसे छानकर, उसे कुछ देर के लिए रख दें फिर उसे छानकर पिएं। तो इन तीनों तरीके में से जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। धनिए का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि अक्सर गर्मियों में बहुत से बच्चों को या बड़ों को नाक से खून आने लगता है, जिसे नकसीर बोलते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर वो धनिए का पानी पीते हैं गर्मियों में तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उनकी नाक से खून आना बंद हो जाता है। धनिया हमारे जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, इनडाइजेशन में सुधार लाता है अगर आप रेगुलर धनिए का पानी पीते हैं सुबह के समय खाली पेट। धनिए का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि लीवर के लिए एक टॉनिक की तरह से काम करता है, क्लिंजर की तरह काम करता है। लीवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कि लीवर बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने लगता है। धनिए के पानी को हम एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है उन लोगों के लिए धनिए का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। वो लोग धनिए के पानी से कुल्ला कर सकते हैं। धनिए के पानी को एक दो मिनट मुंह में रखें और फिर उसे कुल्ला कर दें, तो इससे मुंह से दुर्गंध आनी दूर हो जाती है। धनिए का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनमें धनिए का पानी बहुत ही जल्दी रिलीफ देता है। और धनिए का पानी इररेगुलर पीरियड्स को भी रेगुलर करता है, क्योंकि धनिए का पानी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। धनिए के पानी का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि ये जो शरीर में पित्त उछलता है, जिससे शरीर पर दाफड़ पड़ जाते हैं, जगह जगह धब्बे, लाल निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए भी धनिए का पानी बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें रेगुलर अगर ये लोग धनिए का पानी पीते हैं तो उनसे उनके पित्त उछलने की प्रॉब्लम दूर होती है। धनिए का पानी हमारे हेयर फॉल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम धनिए का पानी पीते हैं तो वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और धनिए के पानी से अपना सिर धोने से भी हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तो इसे दोनों तरह से यूज़ करने पर बालों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है। धनिए के पानी का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारी आईसाइट के लिए, आंखों की रोशनी के लिए। धनिए का पानी पीने से आईसाइट बढ़ती है, और धनिए के पानी से आंखों को धोने से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए धनिए का पानी आंखों को उससे धो भी सकते हैं और उसे पीने से हमारी आईसाइट में भी इम्प्रूवमेंट होता है।
धनिये का पानी अब पियेंगे अगर रेगुलर सुबह खाली पेट, तो उससे अगर एसिडिटी बहुत बनती है वो प्रॉब्लम दूर होगी, शरीर में गैस की प्रॉब्लम दूर होगी, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है वो प्रॉब्लम दूर होगी। और इस तरीके से धनिये का पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। धनिये का पानी पीने से माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती है। अक्सर गर्मियों में बहुत अगर हम बाहर धूप में निकलते हैं तो उससे अक्सर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर धनिये का पानी पीते हैं तो उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती है। धनिये का पानी पीने से अगर वॉमिटिंग आने जैसा लग रहा है लेकिन वॉमिटिंग आ नहीं रही है, तो उसमें भी धनिये का पानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उससे उल्टी आने जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, जो जी कच्चा होता है मिचलाता है वो प्रॉब्लम दूर होती है। धनिये का पानी का नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि ये वेट लॉस में भी बहुत सहायक होता है। इसके लिए क्या करना है, रात को एक चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया को एक गिलास पानी में डालकर रख दें और सुबह उठकर उस पानी को छान लें और फिर उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं और फिर उसे सुबह खाली पेट पिएं, चाहे तो उसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, और फिर उसे खाली पेट पीने से जो है धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है, आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं इस तरीके से धनिये का पानी पी के। धनिये का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल में भी को कंट्रोल करने में भी बहुत ही सहायक होता है। धनिये का पानी ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे भी लेवल में रखता है। धनिये का पानी पीने से जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है, क्योंकि ये धनिये का पानी इंसुलिन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को लेवल में रखता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम मेंटेन रहती है, कंट्रोल कर सकते हो आप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को। अगर हम रेगुलर धनिये का पानी पीते हैं तो इस तरीके से धनिये का पानी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्प करता है। धनिये का पानी एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, शरीर पर फेस पर टाइम से पहले आने वाली फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर हम रेगुलर धनिये का पानी पीते हैं। धनिये का पानी पीने से शरीर में खून की बढ़ोतरी होती है, ये एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि धनिये में विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से शरीर में खून बनने लगता है। धनिये का पानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। धनिये के पानी से यूरिन में होने वाली जलन या यूरिन बूंद बूंद करके आता है, उन सब प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर रेगुलर धनिये का पानी पीने लगते हैं तो उससे यूरिन भी खुलकर आता है, यूरिन में होने वाली जलन भी दूर होती है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट को एकदम से क्लियर कर देता है। धनिये का पानी अगर किडनी में स्टोन हो गई है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ये किडनी में जो स्टोन होती है उसे तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देता है। धनिये का पानी थायराइड के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगर रेगुलर 2 से 3 महीने धनिये का पानी पीते हैं तो उससे थायराइड कंट्रोल होती है। ये थे धनिये के बीज से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स। आपको ये बेनिफिट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।